हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंडर रोप्स। मैं गौसी अरशद। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत कॉटन सूट पे नेक डिज़ाइन बनाएंगे। उस नेक डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे और क्या करेंगे वो मैं वीडियो शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ। ये एक कॉटन का सूट है, ये मैं कॉटन का एक ये पूरा ये कमीज़ का है, ये प्लाजो का है। इसका प्लाजो मैंने ये बना लिया है और ये कुर्ती है, कुर्ती को भी मैंने ये कट करके पूरी कटिंग करके मैं तैयार करके रखी हूँ। अब मैं इसको डायरेक्ट आपको नेक बताऊंगी। इसके नेक पे जैसे मैं प्लाजो पे कुर्ती का पट्टी लगाई हूँ, उसी तरीके से मैं नेक पे इसकी प्लाजो के कपड़े की पट्टी लगाऊंगी और उसके ऊपर मैं धागे का नेक बनाऊंगी और धागे के नेक को सेट करूंगी। अब चलिए देखते हैं कैसे सेट होगा। ये मैं प्लाजो के कपड़ा ले ली हूँ कुर्ती पे लगाने के लिए। कुर्ती पे पैनल बनाऊंगी, इसका लगाऊंगी। इसके लिए मैं मार्केट से एक ये धागे का नेक लाई हूँ। ये धागे का नेक ये इस स्टाइल का है, इस डिज़ाइन से है। तो अगर आप बड़ा नेक पहनते हैं तो आप इसे खुला भी रख सकते हैं और छोटा नेक पहनते हैं तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैं इसे छोटा करके लगाऊंगी और मैं पीछे बैक में खोलूंगी क्योंकि वो गला आसानी से चला जाए। मैं ये नेक को छोटा बनाऊंगी। इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे सेट करूंगी, यहाँ तक धागे को धागे से यहाँ पे हल्का सा स्टिच कीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद ये इस तरीके से मैं इसे सेट करूँगी। अब इस पर आप सिलाई कैसे चलाएंगे? सिलाई चलाने के लिए इस पर यह सरक जाएगा तो इस पर मैं पहले ये फैब्रिक ग्लू है तो फैब्रिक ग्लू से मैं इसे पलट के इस पर लगाऊंगी, इस पर लगाऊंगी और इस पर लगाऊंगी। लगा के मैं इसे इस तरीके से सेट करूंगी। सेट करके फिर मैं इसके पीछे लगा के यह सब जॉइंट पे ग्लू से पहले सेट करूंगी। तो चलिए ग्लू से सेट करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने धागे से इतना सा बंद कर दिया। मुझे छोटा नेक मैं पहनती हूँ, छोटा नेक मुझे पसंद है तो मैं ये छोटे नेक का कर दी और इसमें थोड़ा सा ये भी छोड़ दी। इसे मैं फैब्रिक ग्लू से पूरा चिपका दी, ये नहीं गिर रहा। अब इसे आप इस पर मैं मशीन चला दूंगी। इसे मशीन चला के इसे मैं यहाँ से कट करूँगी। इसे पूरा इसके सिलाई कर दूंगी ऐसे। इस पर पिन से मैंने सेट कर दिया है और इसका नेक यहाँ से कट करके इसी के ऊपर दूसरे कपड़े की पट्टी काट के इस पर लगा के अंदर मुड़ जाएगी, अंदर फोल्ड करूँगी। ये मैंने नेक इस पर धागे वाला स्टिच कर दी हूँ। अब मैं इसको ये कट करूँगी।
लेकिन कट करने से पहले मैं इसके नीचे जो पट्टी को यहाँ पे लगाऊंगी उरेप की पट्टी, उसको मैं कट करने के लिए उसे नीचे रखूंगी। ये मैं उरेप की गोल पट्टी, ये पट्टी डाल के बना ली हूँ सिल के। अब इस पट्टी को मैं इसके नीचे रखूंगी। ये आप देख सकते हैं, ये इसका यहाँ तक मैं कट करूँगी। ये यहाँ तक ये है, इस एक एक इंच की ऊपर से जो कटिंग होगी उसके बाद मैं एक एक इंच की कट करूँगी। अब मैं इसे पिन से सेट करूँगी। ये मैंने इसके नीचे जो कपड़े की पट्टी लगाई थी उसको मैं यहाँ से कट की, कट करके जो कपड़े की पट्टी निकली उसको एक एक इंच की मैं इसी इस डिज़ाइन में काट ली। अब मैं इसे ऐसे रख के ये स्टिच होगी और ये इस तरीके से पलट जाएगी। अब मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। ये नेक बनकर बिल्कुल फाइनल तैयार हो गया है। देखिए ये कितना स्टाइलिश लग रहा है, कॉटन पे कॉटन धागे का नेक, बहुत ही नया और स्टाइलिश है। इसके साथ मैंने पेयर अप किया है, इसकी आस्तीन की डिज़ाइनिंग की है इस बारीक वाले लेस से। इसमें मैंने ये ग्रीन पट्टी दी है इसके प्लाजो वाले कपड़े से, और इसके दोनों साइड में मैंने ये छोटे छोटे दाने वाली, ये भी धागे की लेस है, इसको मैंने लगाया है। ये तो सूट का मटेरियल मैं ली थी दोनों, और उसको ये बना के मैं इस सूट को डिज़ाइनिंग की हूँ। इसके साथ दुपट्टा नहीं था तो दुपट्टा मैं इसका कंट्रास्ट ली हूँ, और इसको इसके साथ मैचिंग दुपट्टा बनाने के लिए मैंने इस पे ये पट्टी लगाई है। ये पट्टी ये इसके लोअर की मैं लगाई हूँ, और इसके स्लीव्स में मैं ये वाली छोटी छोटी गोल गोल दाने वाली ये धागे की लेस मैं इसमें लगाई हूँ, जो मैं आस्तीन में लगाई हूँ। ये अब ये इसकी मैचिंग का हो गया बिल्कुल, और ये खुलने पे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बनाने का तरीका मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जो पिंक कलर का दुपट्टा बनाई थी, कि ये पट्टी कैसे लगेगी और उस पर ये लेस कैसे सेट होती है। ये इधर भी फिनिशिंग है, ये बिल्कुल रेडीमेड की तरह फिनिशिंग आई है। आप इसको खोल के देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है।